हेलो फ्रेंड्स, मैं उसने मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ बहुत ही हेल्दी रेसिपी शेयर करूंगी, वेज मोमोज। ये बहुत ही हेल्दी होता है, इसे आपको फ्राई नहीं करना होता है, सिर्फ इसे स्टीम करना होता है और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। सेम रेस्टोरेंट स्टाइल बनाऊंगी, आप देख सकते हैं दिखने में ये कितने अच्छे दिख रहे हैं, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी हैं। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन क्लिक करना भी ना भूलें, ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और सबसे पहले आप वीडियो देख सकें। चलिए अब देर ना करते हुए हम बनाएंगे वेज मोमोज। वेज मोमोज बनाने के लिए हमें चाहिए एक कप मैदा, ऑल पर्पस फ्लार। अब इसमें हम आधा छोटा चम्मच नमक, एक बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल, सबको अब हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। नमक और तेल अच्छे से मिक्स हो जाए, इसे हम थोड़ा सा क्रम्बल कर देंगे इस तरह से हाथों से मसलते हुए, ये देखिए। अब हम इसमें पानी डालकर आटे को गूंदेंगे। पानी हम पहले आधा डालेंगे, बाद में हम आधा डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो आपका आटा ढीला हो सकता है। और हमें आटा ढीला नहीं चाहिए, ना ही ज़्यादा सख्त चाहिए, हल्का सा सॉफ्ट चाहिए, ये देखिए। अब इसमें मैं थोड़ा और पानी डालूँगी, जितना हमें इसमें पानी की ज़रूरत होगी उतना ही डालेंगे, इसलिए आपको मैंने बोला एक साथ नहीं डालेंगे। अब इसे हम अच्छे से गूंद लेंगे, एकदम सॉफ्ट डो बना लेंगे। इस तरह आप अच्छे से इसे मसलिए, अच्छे से हमें इसे गूंदना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और बहुत टाइट भी नहीं है। अब इस पर हल्का सा तेल लगाकर हम इसी तरह इसे ढककर 10 से 15 मिनट छोड़ देंगे। चलिए अब हम स्टफिंग बना लेते हैं। एक कप गाजर कद्दूकस किया हुआ, एक कप पत्ता गोभी कद्दूकस किया हुआ, आधा कप शिमला मिर्च बारीक काटा हुआ, एक मीडियम प्याज बारीक काटा हुआ, 15 से 20 लहसुन की कलियां बारीक काटी हुई, एक इंच अदरक का टुकड़ा बारीक काटा हुआ, दो हरी मिर्चें बारीक काटी हुई। सबसे पहले हम कढ़ाई रख देंगे, इसमें हम डेढ़ बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल के डाल देंगे। तेल को गर्म होने दीजिए। तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम लहसुन बारीक काटा हुआ, अदरक बारीक काटा हुआ, हरी मिर्चें बारीक काटी हुई, इन्हें हम एक मिनट के लिए सौटे करेंगे। हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं है और फ्लेम को आप मीडियम कर दीजिए। ये बहुत जल्दी से पक जाता है लहसुन अदरक, इसलिए हमें ज़्यादा इसे ब्राउन भी नहीं करना है। अब इसमें हम बारीक काटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को टाइम लगता है भुनने में, इसलिए इसे हम एक मिनट तक अच्छे से भुनेंगे। प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ इसे ट्रांसपेरेंट करना है, हल्का सा ये भुन जाए। अब इसमें हम कद्दूकस किया हुआ गाजर डाल देंगे, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और हमें इन्हें ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ इसका मॉइस्चर निकल जाए, बस इसकी नमी ख़त्म हो जाए, इतना ही हमें इसे भूनना है। ज़्यादातर लोग सब्जियों को कद्दूकस करने के बाद इसका पानी निचोड़ देते हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। सिर्फ इसका मॉइस्चर, इसकी नमी ख़त्म करने के लिए मैं इसे थोड़ा सा भून रही हूँ और आप इस तरह ज़रूर बनाइएगा, भूनने के बाद इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। अब इसमें हम आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। आधा छोटा चम्मच नमक, नमक आप अपने हिसाब से डालिए। अब सबको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। आप इस तरह ज़रूर बनाइए, इस तरह सब्जियों का कच्चापन दूर हो जाता है और टेस्ट इसका बहुत बढ़ जाता है, हर फ्लेवर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाता है। इस तरह आप ज़रूर बनाइएगा, आपने उस तरह तो बहुत बार खाई होगी।
आप मेरी तरह ज़रूर बना के देखिएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है भुनने में, सिर्फ 3-4 मिनट ही लगते हैं। इस तरह से स्टफिंग बनाकर आप फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं 3-4 दिन तक। जब आपका मन हो आप इसे निकालिए और मोमोज बना लीजिए, और बच्चों को भी आप टिफ़िन में दे सकती हैं। रात को ही तैयारी करके आप रख दीजिए, सुबह आपको सिर्फ मोमोज बना के स्टीम करके उन्हें देना है, और शाम के समय बच्चों को बड़ों को सबको आप इसे सर्व कीजिए। चटनी के साथ बहुत टेस्टी लगता है। डो को 15 मिनट हो चुके हैं रेस्ट करके। अब इसे हम एक बार और अच्छे से मसल लेंगे ताकि आटा अच्छे से मुलायम हो जाए। आप देख सकते हैं ये कितना मुलायम लग रहा है। मोमोज खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं बिना तले। इसे आप स्टीम करके बनाएं। ये देखिए इस तरह से हमें ये चाहिए मुलायम, आप देख सकते हैं। चलिए अब हम इसके लोई बना लेते हैं। छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं हमें, ज़्यादा बड़े नहीं बनाने हैं। इस तरह से थोड़ा पोर्शन ले लीजिए और हथेलियों में इस तरह से रोल कीजिए। ये साइज़ के आप बना लीजिए, ज़्यादा बड़े नहीं बनाने हैं। इस तरह से आप सब लोई बनाकर रख लीजिए। अगर आपने पहले से तैयारी करके रख ली है तो आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा मोमोज बनाने में। ये देखिए मैंने सब लोई बना ली है। अब हम चकले पे थोड़ा सा मैदा डस्ट कर देंगे ताकि बेलते समय चिपकेगा नहीं। अब हम लोई रखकर इसे बेलेंगे जिस तरह से हम पूड़ी बेलते हैं, और इसे हमें ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना है, ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है, मीडियम बेलना है। इस तरह से आप इसे बेल लीजिए, और ज़्यादा बड़ी पूड़ी भी नहीं करनी है, छोटी ही बनानी है। ये देखिए इस तरह से हमें छोटी छोटी पूड़ी बनानी है। ये ज़्यादा पतली भी नहीं है, ज़्यादा मोटी भी नहीं है। अब इसमें मैं स्टफिंग डाल देती हूँ। 1 चम्मच स्टफिंग आप डाल दीजिए सेंटर में इस तरह से। ज़्यादा नहीं डालनी है नहीं तो बाहर निकल जाएगी। इसको अब हम डिज़ाइन देंगे इस तरह से पकड़ के। इसके हम प्लेट्स बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से इसे जॉइंट करते जाइए साथ साथ में। ये देखिए अंदर के साइड इस तरह फोल्ड कीजिए और जॉइंट कीजिए। सारा आपको इसी तरह इसे फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से प्लेट बनाते जाइए। ये देखिए सब प्लेट्स बन गई। अब इसे आप एक इकट्ठा करके इस तरह से रोल कर दीजिए, इसे टाइट घुमा दीजिए और प्रेस कर दीजिए। ये देखिए आप देख सकते हैं परफेक्ट मोमोज का शेप बना है। इस तरह ही बनाना है। इस तरह से लोई रखकर हमें इसे बेलना है पूड़ी के साइज़ का, मीडियम, ना मोटा ना पतला। हो सके तो आप इसे बीच में से ज़्यादा पतला ना कीजिए। साइड से पतला हो जाएगा तो कोई बात नहीं, अगर बीच से आपने पतला कर दिया तो स्टफिंग आपकी बाहर निकल जाएगी। ये देखिए इस तरह से बेल लीजिए। अब इसमें 1 चम्मच स्टफिंग डाल देंगे। अब मैं आपको एक दूसरी डिज़ाइन बता रही हूँ, वो भी बहुत ही इजी और सिंपल है। आप जिस तरह से गुजिया बनाते हैं, करंजी बनाते हैं, बस उसी तरह आपको इसे फोल्ड करना है इस तरह से, और अच्छे से इसे सील कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से। अब इसे आपको बस दोनों साइड से इस तरह से पकड़िए और इसे सेंटर में प्रेस कर दीजिए एक दूसरे के साथ। ये देखिए कितना सिंपल है, आप देख सकते हैं। ये दूसरा डिज़ाइन भी आपका बन गया। आपको जो पसंद हो डिज़ाइन आप वही बनाइए। ये लीजिए मैंने सारे मोमोज बना लिए हैं। अभी इन्हें मैं स्टीम कर लेती हूँ। मैंने स्टीमर पहले से ही रख दिया है। पानी बॉयल होने लग जाए तब हम इस पर इस तरह की जाली रख देंगे। आपके पास स्टीमर ना हो तो आप कोई बर्तन ले लीजिए, पतीला, उसके ऊपर एक छलनी इस तरह की हो वो रख लीजिए। अब इसमें हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे, इसे ग्रीस करेंगे ताकि मोमोज चिपके ना। अब हम सारे मोमोज रख देंगे एक एक करके, और थोड़े गैप में रखिए, थोड़ी दूरी पर रखिए, एक साथ चिपका के ना रखें। ये देखिए इस तरह से आप रख दीजिए। ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनता है। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, इसे हमें ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं करना है, नहीं तो ये बहुत ही हार्ड बन जाएगा। इस तरह से आप सब रख लीजिए।
ये देखिए मैंने सारे मोमोज रख दिए हैं। अब हम स्टीमर को ढक कर मीडियम फ्लेम पर इसे 10 या 15 मिनट के लिए स्टीम करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है। इसे हमने 15 मिनट के आसपास स्टीम कर लिया है। अब हम ढक्कन हटाकर देख लेते हैं। ये देखिए वाओ, कितने अच्छे से ये स्टीम हो गए हैं, आप देख सकते हैं। अब आप फ्लेम को बंद कर दीजिए। अब आप सारे मोमोस एक प्लेट में निकाल लीजिए और इसे गरम गरम ही खाना, तभी आपको टेस्टी लगेंगे। अब हम इसे मोमोज़ की चटनी के साथ सर्व करेंगे। मोमोज़ की चटनी मैंने घर पर ही बनाई है, इसकी भी रेसिपी मैं जल्द से जल्द शेयर करूंगी। ये देखिए वाओ, कितने अच्छे दिख रहे हैं और खाने में तो बहुत ही लाजवाब हैं। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपके सुझाव भी मुझे दीजिएगा। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मीडिया पर, फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। आपको और कौन सी नवी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपके लिए वो ज़रूर बनाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन क्लिक करना भी ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।